तस्वीरों में पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही आरोपी है जिसने 3 दिन पहले दुश्मनी में रोहित नामक शख्स की जान लेनी चाहिए, लेकिन रोहित भाग निकला और यश तिवारी ने रोहित के दोस्त राजवीर पर गोली चला दी, जिस दौरान जयंतीपुरा मोहल्ला निवासी राजवीर ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मृतक राजवीर के भाई राजू की शिकायत पर यश तिवारी और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यश तिवारी का किटवाड़ी चौक से उसे गिरफ्तार किया गया है, जो फरार होने की फिराक में था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वहीं उसे कोर्ट में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आरोपी से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, एक पिस्टल, 2 राउंड और 2 मैगजीन भी बरामद हुई हैं, जबकि यश तिवारी का दूसरा साथी फिलहाल फरार है। ये 12-12 को गिरफ्तार किया किटवाड़ी चौक पलवल से। पूरा मामला क्या है सर? ये एक रोहित नाम का लड़का है जो जिससे इसकी यश तिवारी की दुश्मनी थी, काफी दिनों से रंजिश चल रही थी। अभी ये प्रोपेक्सिटी के पास रोहित और राजवीर दोनों इसे मिले हैं, वहाँ इनकी आपस में कोई बहस हुई। बहस के दौरान इसने उसे रोहित को गोली मारने की कोशिश की जो मिस हो गई। रोहित वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद उसने ये राजवीर को गोली मार दी। सर, इस वारदात में यस अकेला था इसके साथ कोई और? नहीं, इसके साथ एक बंदा और है, वो भी फरार है, जैसे ही मिलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात में होने वाला हथियार यूज बरामद कर लिया गया? हाँ, एक पिस्टल करी है, 3 राउंड हैं और उसके साथ एक मैगजीन अलग से है और एक मोटरसाइकिल है। ये कितनी पुरानी रंजिश थी? रंजिश काफ़ी पुरानी है। इसने इनके साथ क्या नाम, इन्होंने क्या नाम, इसने यश तिवारी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा पहले। फिलहाल देखना होगा दूसरा आरोपी का पुलिस गिरफ्त में होगा। आपको बता दें कि पलवल के सोना रोड स्थित सैनी नर्सरी के पास 3 दिन पहले ये हत्या का मामला सामने आया था। दरअसल साल 2019 में रोहित और यश तिवारी का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इस झगड़े की भेंट रोहित का दोस्त राजवीर चढ़ गया। सत्य खबर के लिए पलवल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।